आप सबको स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 5 जनवरी के ईश्वर वरदान की। परमपिता परमात्मा आज हमें कुछ नया सिखा रहे हैं इस नववर्ष में। हमें अपने जीवन में डिसीजंस लेने हैं, कभी कुछ छोटे भी होते हैं, कभी कुछ बड़े भी होते हैं, और काफी सारे डिसीजंस जो होते हैं वो हमें अपने फैमिली मेंबर्स या हमारे कलीग्स जो कि हमारे जॉब में हैं या हमारे बिजनेस पार्टनर्स या और संस्था के जितने भी भाई बहन उनके साथ में मिलकर लेने पड़ते हैं। जिस भी प्रकार की आप सेवा करना चाहें या जिस भी प्रकार का प्रोजेक्ट आगे लेके जाना चाहें, और कभी कभी ये डिसीजन मेकिंग में हमें पता नहीं होता है कि हमें बिहेव और रिएक्ट कैसे करना है और हमें स्टैंड कब लेना है, लेकिन हमें पोजिशन कब लेनी है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। इसलिए आज परमात्मा हमें कुछ सिखा रहे हैं, आज कहां पर बालक बनना है और कहां पर मालिक बन करके चलना है। तो देखें आज परमात्मा के अपने ही शब्दों में, ये बहुत ही सुप्रीम विजडम है। परमात्मा कहते हैं, बालक और मालिकपन के बैलेंस से पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भवा। पुरुषार्थ और सेवा में सदा सफलता मूर्त भवा। सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर से का बालक सो मालिक हूं। परमात्मा का बालक हूं तो परमात्मा के पास में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद सब कुछ है, तो उसका मैं मालिक हूं। लेकिन अगर अपने आपको बालिक समझा तो दिन भर अगर अपने आपको शरीर और शरीर के संबंधों के हिसाब से, पोस्ट पोजीशन और अपने टाइटल्स के हिसाब से चले, मैं माँ हूं, बहन हूं, बेटा हूं, बेटी हूं, तो उस हिसाब से चले तो फिर परमात्मा से सुख शांति का कनेक्शन टूट जाता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, अपने आपको आत्मा समझ करके अगर मुझे याद करते हो तो तुम्हारा कनेक्शन बैठा रहेगा। लेकिन अगर आप देह के जो एक्टिंग पाई हुए जो टाइटल्स हैं, हमें बहू का भी टाइटल हो गया, बेटी का भी टाइटल हो गया, ये टाइटल्स के हिसाब से या जॉब में गए तो फिर बॉस हो गया या सबॉर्डिनेट हो गया या ऑफिसर हो गया, ये टाइटल्स के हिसाब से अगर गए तो हमारे निर्णय काफी जगह पर गलत हो जाते हैं और हम बंधन में फंस जाते हैं और हमारे पर बोझा आ जाता है बुरे कर्मों का या बुरे संकल्प, बुरे शब्द यूज करने का, बुरे एक्शन करने का, और उस बोझे के कारण हमारे अंदर दुख और अशांति आती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सदा ये नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूं, लेकिन जब कोई राय देनी हो, प्लान सोचना है कि क्या करना चाहिए, कार्य करना है तो मालिक होकर करो, और जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है कि आपने सब मिलकर के आपने टीम वर्क में आपने बातचीत करी, आप अपनी राय रखी, एडवाइस रखी, और फिर लास्ट में सबने आपस में बातचीत कर ली और उसके बाद में फिर उन्होंने एक निचोड़ निकाला, जब निचोड़ निकलता है तो उस समय बालक बन जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं वो शायद से उस समय ना इस्तेमाल करें हों, तो उस समय आपको ठेस ना पहुंचे, तो आप उस समय अगर मास्टर बन गए, मैंने ये कहा था, मेरी बात नहीं मानेगी, मैं नहीं इस टीम में रहूंगा, या मैंने छोड़ दिया, मैं इस फैमिली में नहीं रहूंगा, मैं इस जॉब में नहीं रहूंगा, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में रहूंगा, परमात्मा कहते हैं ये ईगो है या अहंकार है, क्योंकि टीम वर्क में अगर होना होता है तो कभी कभी गर्म कभी कभी ठंडा होना पड़ता है। गर्म मतलब आप एडवाइस दो मास्टर बन करके, ठंडा मतलब बच्चा बन जाओ। किस समय राय बहादुर बनना है, राय बहादुर, राय देने वाला बहादुर, बहुत रमणीय, बहुत ही मजेदार परमात्मा शब्द यूज करते हैं। किस समय राय मानने वाला, ये तरीका सीख लो तो पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल रहेंगे। पुरुषार्थ में कैसे सफल रहेंगे, औरों के साथ में अगर आपने खिटपिट नहीं करी दिन भर में, चाहे वो घर के मेंबर्स हों, चाहे आपके जॉब के, घर के, फैमिली मेंबर्स या संस्था के मेंबर्स हों, उनके साथ में आपने खिटपिट नहीं करी, मेरी बात नहीं मानी, रूट नहीं गए अगर आप, और अगर आपने बॉसी ने जबरदस्ती नहीं करी, तो फिर क्या होगा, आपके पास में दुआएं होंगी और आपका मेडिटेशन आराम से लगेगा, परमात्मा से जोड़ आपका आराम से होगा। लेकिन दिन भर में अगर आपने बॉसीनेस यूज किया, आपने रूठना यूज किया, आपने चिड़चिड़ापन यूज किया, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैंने जो कहा वो नहीं किया, ये अगर आप करेंगे, ये अगर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे, तो दिन भर आप बद्दुआएं काम आएंगे, और जिस कारण से परमात्मा हमें सिखाते हैं कि आपका मेडिटेशन में फोकस नहीं रहता, आपको वो बातें याद आती, वो इंसान याद आता है। तो कहां मास्टर बनना है और कहां बच्चा बनना है, ये समझना बहुत जरूरी है, और ये बैलेंस में ही हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी ईगो है। ये टेस्ट है, ट्राई करके देखिए, कल आप, कल क्यों, आज ही से, इसी समय से आप ट्राई करिए। अगर आपको ये 8 बजे मिल रहा है वरदान, हर दिन आपको 8 बजे मिलता है सुबह, तो पूरा दिन आपके पास में होता है कि इसके अनुसार आप अपने चलाएं अपना जीवन। तो आज का ईश्वर वरदान इसके साथ ओम शांति।